भागेंगे नहीं, नहीं भागे सर, नेता तो नहीं सर, क्रांतिकारी हम लोग, नेता नहीं है सर, नेता लोग तो भीतर बैठा है, जिसको आप लोग मैंने गलत बचाव कर रहे। अरे यार तुम, हम लोग इतना दूर में प्रदर्शन कर रहे, हमारे पास कागज है, उसके बावजूद आप लोग लाठीचार्ज कर रहे, आंसू गैस छोड़ रहे, रबर गोली मार रहे, क्या है सर ये बताइए? एडीएम सर है, नेता रहते तो 150 का टी शर्ट पहन के नहीं आते। हाँ टी शर्ट आते के टोजर भी देख लीजिए, कुर्ता फाड़ दिए। कुआं सर, इधर कुआं है, कुआं सर, क्या हो रहा है? देखिए हाँ, मैंने अंग्रेजों का शासन याद आ रहा है। देखिए मैंने हम लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, कुर्ता तुर्ता फाड़ दिया गया, बहुत सारे साथियों को लाठी मारा गया, और यहाँ शायद ड्यूटी पे मुख्य पदाधिकारी एडीएम सर हैं। और आज आराम से देखो, अब इतना आराम से कैसे और होगा बताओ? क्या हो गया आराम से? हाँ शुरुआत से हाँ सर, पकड़ करके कोई दिक्कत, हम भागेंगे नहीं, और छोड़ भी दीजिए नहीं भागेंगे। जैसा कि जानकारी थी, छात्रों के द्वारा जो 60-40 की नीति आई थी, उसका विरोध, विधानसभा का घेराव, पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक मार्च रैली रखा गया था। लेटर आप लोग पढ़ सकते हैं, लेटर हमारे हाथ में है, 4-5 पन्नों का है, उसमें साफ लिखा है ये आंदोलन अहिंसात्मक होगा, संवैधानिक तौर पे होगा। और हम लोग धरना पर बैठे थे, एक जगह निश्चित जगह है जो विधानसभा से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है, यानी हमारे तौर से ना कोई एक ढेका पत्थर उठाया गया है, ना किसी प्रकार का ऐसा स्लोगन लगाया गया है जो असंवैधानिक हो, अमर्यादित हो। और इसी क्रम में हम लोग लगातार मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश राज्य की जनता को संदेश दे रहे हैं कि 60-40 की जो नीति बनकर आई है वो हमारे राज्य के लिए अहितकारी है। इसी प्रकार हमारी नौकरियां बाहरियों को बेची जाएगी, 2-3 लाख अभी पेंडिंग है नौकरियां, यानी लगभग मान के चलिए अगर नीति ये रही तो 1.5 लाख तो बाहर के लोग आ जाएंगे। तो झारखंड क्यों बना है? बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, विनोद बाबू, निर्मल दास, सिद्धू कानू, नीलाम्बर पीताम्बर, शेख भिखारी का शहादत इस राज्य ने क्यों लिया है? इसीलिए कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ नौकरियों को करेंगे। और आप देख सकते हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, और फिलहाल पुलिस ने पूरे दल बल के साथ लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस छोड़ने का काम किया है, रबड़ गोली भी चलाया गया है, जिससे हमारे साथी पीछे हो चुके हैं। लेकिन चूंकि हम भगत सिंह को मानते हैं और आज भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी है, अगर गोली भी चलाएगी तो हमने तो स्पष्ट कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल एक और सवाल है, सीधा तौर पे आप लोग बैरिकेटिंग के पास जमा हुए, प्रशासन स्वागत किया, वहाँ से धरना स्थल जाने को कहा गया आप लोग? बिल्कुल, प्रशासन ने स्वयं रास्ता दिया। 144 लागू है फिर भी यहाँ आके? नहीं नहीं, 144 लागू है इसकी जानकारी अभी अचानक सूचना मिली है, और 144 का भी एक सीमा होता है, हम लोग भी ठीक है उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग लेकिन इनको हिरासत में लिया गया है। इन लोगों का विधानसभा का दीवाल है, वहां तक इन लोग आ गए, विधानसभा के दीवाल को फान करके चढ़ने का कोशिश किए, इन लोगों को उस वहां से पीछे हटाया गया है। अभी फिर अनाउंस करके सबको बोला गया कि कूटे धरना स्थल पे जाके आप लोग अपना प्रदर्शन कीजिए, ये क्षेत्र 144 का है। फिलहाल जयराम जी को उसमें से अभी अभी के लिए हिरासत में लिया गया है, विधि व्यवस्था संधारण के लिए इनका शाम को इनको छोड़ा जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर।